हेलो। सो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस क्या होता है? ट्रायंगल को सरकमस्क्राइब करने वाला जो सर्कल होता है उसकी रेडियस को सरकम सर्कल बोलते हैं। तो कैसा है ना कि एक ट्रायंगल दे रखा है, तो इसको सरकमस्क्राइब करने वाला एक सर्कल होगा। तो एक सर्कल होगा जो तीनों वर्टेक्स से पास होगा, तो उसको बोलते हैं सरकम सर्कल। तो वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। नेक्स्ट द सेंटर इज नोन एज अ सर्कम सेंटर। और बी सी कॉर्ड ए पे जो एंगल सबटेंड करेगी वो सेंटर पे डबल एंगल सबटेंड करेगी। तो सेंटर पे यहाँ पे 2A एंगल सबटेंड करेगी। और सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला तो वो कॉर्ड को बाइसेक करता है। तो ये ए बाई टू, ये ए बाई टू, एंड दिस इज सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस ये एंगल ए हो जाएगा, ये एंगल ए हो जाएगा। तो देखो ना, ट्रायंगल ओ बी डी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी डी जिसमें बेस एंगल ए है और परपेंडिकुलर ए बाई टू है और हाइपोटेनस आर है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? साइन। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2R sin A। तो ये हो गया सर्कम रेडियस। तो ए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2R, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2R। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए बी साइन सी। तो हाफ ए बी, तो सी अपॉन साइन सी कितना होगा? 2R। तो यहाँ से साइन सी निकाल सकते हैं, सी अपॉन 2R। तो ये आ जाएगा ए बी सी बाय 4R। तो R इज इक्वल टू ए बी सी बाय 4 डेल्टा। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर सर्कम रेडियस, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर सर्कम रेडियस। नेक्स्ट टॉपिक है इन रेडियस। सो नेक्स्ट टॉपिक है इन रेडियस। तो इन रेडियस, इन रेडियस में क्या होता है? इन सर्कल का रेडियस इन रेडियस कहलाता है। और इन सर्कल क्या होता है? वो सर्कल जो ट्रायंगल के अंदर है, वो सर्कल जो ट्रायंगल की तीनों साइड को टच कर रहा है। तो वर्टेक्स ए बी सी, तो सर्कल जो तीनों साइड को टच कर रहा है, तो सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर, डिनोटेड एज कैपिटल आई। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वर्टेक्स से साइड पे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इज नोन एज अ सर्कम रेडियस। तो दिस इज़ अ परपेंडिकुलर दिस इज नोन एज इन रेडियस, सॉरी। तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज अ इन रेडियस। तो हमें ये इन रेडियस के फॉर्मूले बनाने हैं, ठीक है? तो इन रेडियस के फॉर्मूले बनाते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो देखो, अगर इन सेंटर कैसे मिलता है? एंगल बाइसेक्टर से मिलता है। तो बी आई इज एंगल बाइसेक्टर, तो आई सी इज एंगल बाइसेक्टर, एंड ए आई इज़ अ एंगल बाइसेक्टर। तो वो एंगल को बाइसेक करता है। तो दिस एंगल विल बी बी बाई टू एंड दिस एंगल इज ऑल्सो बी बाई टू। सिमिलरली दिस इज सी बाई टू, दिस इज सी बाई टू, एंड दिस इज ए बाई टू, एंड दिस एंगल इज ए बाई टू। नेक्स्ट है, तो ट्रैंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा? तो ट्रैंगल ए बी सी का एरिया होगा, ट्रैंगल ए बी सी का एरिया, इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ट्रैंगल ए आई बी प्लस ट्रैंगल बी आई सी प्लस ट्रैंगल सी आई ए, तो ये एरिया होगा। नेक्स्ट, ट्रायंगल का एरिया हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से। ए आई बी का एरिया क्या होगा? तो हाफ बेस, बेस इस केस में हो जाएगी सी, और हाइट कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। तो सिमिलरली बी आई सी हाफ बेस इंटू हाइट। फिर सी आई ए का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट, तो टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 डेल्टा इज इक्वल टू आर कॉमन आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। और ए प्लस बी प्लस सी क्या है? पैरीमीटर है। तो 2 डेल्टा इज इक्वल टू आर इंटू 2S, टू टू कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस। द फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है डेल्टा बाय एस। सो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है डेल्टा बाय एस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे? तो हम लोगों को पता है 10A/2। तो 10A/2 का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। तो यहाँ से डेल्टा बाय एस निकालेंगे, तो वो आएगा एस माइनस ए इंटू 10A/2। तो इन रेडियस का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं एस माइनस ए इंटू 10A/2। अगर बी के टर्म्स में लिखना है वही सेम आएगा, एस माइनस बी 10B/2। और सी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं एस माइनस सी 10C/2। सो दीज आर द फॉर्मूलाज। नेक्स्ट,
यही फॉर्मूले और एक और तरीके से डेवलप कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ वी कैन लर्न द अप्रोचेस. तो वी कैन लर्न द अप्रोचेस नेक्स्ट. तो वही फार्मूले ना दूसरे एक और तरीके से भी निकाले जा सकते हैं. तो वो दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं. तो होता क्या है, सर्कल में एक प्रॉपर्टी होती है. सर्कल में प्रॉपर्टी क्या होती है कि बाहर सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट डाली तो वो टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है. तो ये दोनों लेंथ जो होंगी वो बराबर होंगी. उसी तरह से ये दोनों लेंथ भी बराबर होंगी और वर्टेक्स ए से ये दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट भी बराबर होगी. ठीक है. तो मैंने क्या किया, जो इसको मान लिया डी ई एफ, तो इस लेंथ को मैंने एक्स नाम दे दिया, ट्रायंगल बी आई डी, ट्रायंगल बी आई डी को. तो ये बची हुई लेंथ कितनी हो गई, ए माइनस एक्स. ये टेंजेंट है तो ये भी ए माइनस एक्स. ये बची हुई लेंथ हो गई बी माइनस ए प्लस एक्स. और वर्टेक्स ए से लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होगी तो ए इज इक्वल टू ए एफ. तो ये हो जाएगा बी माइनस ए प्लस एक्स. और ये बची हुई लेंथ कितनी होगी, सी माइनस बी प्लस ए माइनस एक्स. और सी माइनस बी प्लस ए माइनस एक्स एक्स के बराबर होनी चाहिए. क्यों, क्योंकि बी डी इज इक्वल टू बी एफ है. तो बी डी इज इक्वल टू बी एफ है तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए. तो टू एक्स इज इक्वल टू आ गया ए प्लस सी माइनस बी. तो टू एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपना होता है टू एस. तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा, टू एस माइनस बी माइनस बी. नेक्स्ट तो टू एक्स इज इक्वल टू टू एस माइनस टू बी. तो एक्स इज इक्वल टू एस माइनस बी. नेक्स्ट अभी इन रेडियस आया नहीं, इन रेडियस भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बी आई डी. तो राइट एंगल ट्रायंगल बी आई डी जिसमें ये परपेंडिकुलर है, ये इन रेडियस है और बेस एंगल बी बाई टू है. तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, अच्छा बी डी एक्स है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा जिसमें परपेंडिकुलर हो, बेस हो और बेस एंगल हो. तो टेन, तो टेन बी बाई टू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ से x आ जाएगा r अपॉन टेन बी बाई टू. तो r अपॉन टेन बी बाई टू इज इक्वल टू एस माइनस बी. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो s माइनस बी इंटू टेन बी बाई टू हैंस प्रूव. तो सिमिलरली ऐसे a के साथ भी लिख सकते हैं. तो s माइनस ए टेन ए बाई टू. और ऐसे c के साथ भी लिख सकते हैं. तो s माइनस सी टेन सी बाई टू. नेक्स्ट तो टेन बी बाई टू का फॉर्मूला होता है कि डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए बी, बी बाई टू लिखा है ना, तो एस इंटू एस माइनस बी. तो यहाँ से एस माइनस बी इंटू टेन बी बाई टू आ जाएगा डेल्टा अपॉन एस. तो इसका मतलब है कि इस टर्म को हम लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं, डेल्टा अपॉन एस. तो इन रेडियस का एक और फॉर्मूला आ गया, आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट एक और फॉर्मूला डेवलप करते हैं. नेक्स्ट एक और फॉर्मूला डेवलप करते हैं. तो देखो, तो बी डी, बी डी कितना हो जाएगा, बी डी बी बी सी अगर देखें तो बी सी कितना है, बी डी प्लस डी सी. तो और बी सी कितना है, ए. अब बी डी निकालते हैं. तो बी डी क्या है, बी आई डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है. बी आई डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है. सिमिलरली सी आई डी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो मैंने ये लिया बी आई डी और ये भी सी आई डी, क्योंकि मेरे को बी डी और डी सी चाहिए. तो ये इन रेडियस, इन रेडियस बेस एंगल बी बाई टू और ये बेस एंगल सी बाई टू. तो देखो, तो ट्रायंगल बी आई डी में टेन बी बाई टू इज इक्वल टू आर अपॉन बी डी. तो आर इज इक्वल टू, नहीं बी डी इज इक्वल टू, तो बी डी इज इक्वल टू आर अपॉन टेन बी बाई टू. सिमिलरली ट्रेंगल सी आई डी में डी सी इज इक्वल टू आर अपॉन टेन सी बाई टू. ठीक है. तो बी डी हो जाएगा आर अपॉन टेन बी बाई टू प्लस आर अपॉन टेन सी बाई टू. नेक्स्ट इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, आर कॉमन आ जाएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे. तो कॉस बी बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू प्लस कॉस सी बाई टू अपॉन साइन सी बाई टू. एल सी एम लिया तो ए इज इक्वल टू आर. तो एल सी एम लिया तो ये आएगा साइन सी बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू प्लस साइन बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू. और डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू.
नेक्स्ट ये ऊपर एक फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का, तो ए इज इक्वल टू आर, तो ऊपर आ जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन बी प्लस सी बाय टू, नीचे साइन बी बाय टू इंटू साइन सी बाय टू। नेक्स्ट किसी भी ट्रायंगल में ए प्लस बी प्लस सी जो होता है वो पाई होता है, किसी भी ट्रायंगल में ए प्लस बी प्लस सी जो होता है वो पाई होता है, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा, तो बी प्लस सी हो जाएगा पाई माइनस ए, तो बी प्लस सी बाई टू कितना हो जाएगा पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, तो ए इज इक्वल टू आर साइन, ये होगा पाई बाई टू माइनस ए बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, तो ये आएगा ए इंटू आर कॉस ए बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। अब स्मॉल आर एक तरफ कर लेते हैं और बाकी सब एक तरफ, तो ए इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। फिर साइन लॉ ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू टू आर, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टू आर साइन ए, तो ये सब्सटीट्यूट कर दो, तो आर इज इक्वल टू टू आर, तो स्मॉल आर इज इन रेडियस कैपिटल आर इज अ सर्कम रेडियस, तो टू आर साइन ए इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो कैसे करेंगे, मल्टीपल एंगल्स में तोड़ते हैं, तो टू आर इंटू साइन ए हो जाएगा टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू, तो पहले से ही लिखा था, और डिनोमिनेटर में कॉस ए बाई टू, तो डिनोमिनेटर का कॉस ए बाई टू और ये कॉस ए बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा स्मॉल आर इज इक्वल टू फोर आर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। और तुम फॉर्मूले में देख सकते हो यूनिफॉर्मिटी है तीनों साइन के टर्म्स में ए बी सी, क्यों, क्योंकि एक ट्रेंगल का एक ही इन रेडियस होता है, तो सो द फॉर्मूला इज ऑल्सो यूनिफॉर्म।